अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, घर पे सेफ होंगे। तो आज एक बहुत स्पेशल डे है हमारे लिए। आज माशाल्लाह हमजा भाई का होटल, जिसका मैंने जिक्र किया था लास्ट ब्लॉग्स में, तो उसकी आज ओपनिंग है 12 बजे के करीब। और अभी तकरीबन 11:51 हो चुके हैं, यानी कि 10 मिनट रह चुके हैं। और हमजा भाई की मुझे तकरीबन घंटा पहले कॉल आई थी कि यार 12 बजे तक जो है वो तुम पहुंच जाना, क्योंकि फिर ओपनिंग वगैरह जो है वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी जो है हम लोग हमजा भाई के होटल में जाएंगे, और साथ में आपको भी बताऊंगा कि उसकी लोकेशन कहाँ पर है, और अगर कोई आना चाहता है तो वो किस तरह उसको इजीली जो है वो फाइंड कर सकता है। तो जी, होटल में हम लोग पहुंच गए हैं, और माशाल्लाह ये हैं जी हमजा भाई के बड़े भाई हुसनैन भाई। क्या हाल है आपका? और मतलब आपका क्या प्लान है? आपने यहीं पर रहना है या वापस जाना है? यहीं पर रहेंगे। तो जो लोकेशन है ना, वो कुछ ऐसी है कि जब आप लोग कैंट को एग्जिट करते हैं ना, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा। जो ये रोड है ना सामने वाली, ये कैंट की तरफ से आ रही है, और आते आते इस साइड पे जो लोग सियालकोट के, उनको पता होगा इस जगह का। यहाँ पे अलाइट स्कूल है, और साथ ही यहाँ पे बीकन हाउस है, और उसके सामने एक पंप है PSO का। उस PSO के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है ये अली बारबेक्यू रेस्टोरेंट। तो ये लोकेशन बड़ी इजी है, आप यहाँ पे काफ़ी इजीली आ सकते हैं अगर किसी ने आना हो तो। लोकेशन जो है ना वो बड़ी आसान है। खैर, अभी हम जाके देखते हैं, हमजा भाई को मिलते हैं और देखते हैं कि आज की वो क्या एक्टिविटीज़ हैं और वो क्या कर रहे हैं। फिलहाल तो ये आटे की बोझों को उठा रहे हैं, और ये हैं जी उस्मान भाई। हेलो हमजा भाई। हेलो, क्या हाल है आपका? हमजा भाई क्या कर रहे हैं जी? क्या कर रहे हैं? मैं मॉक लगा लूं। मतलब लास्ट टाइम ये आए थे वीडियो में, तब ये गोश्त काट रहे थे, और अब इनका ये हाल है। मतलब कर क्या रहे हैं आप आजकल? ये काम तो नहीं शुरू कर दिया आपने? कुछ ना पूछो क्या कर रहे हैं। और ये है जी हमजा भाई के भाई का बेटा। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। दो छह बता दो अपना। क्या नाम है आपका? कोल्ड ड्रिंक पीने में मशहूर। और ये भी हमजा भाई के एक और भाई हैं जो इनसे बड़े हैं। हाँ हमजा भाई, रिस्पेक्ट देनी चाहिए ना। आया जो बाहर का व्यू है, यहाँ पे हैं कुछ चूल्हे रखे हुए हैं, और काउंटर है बाहर, इनका तंदूर है जो कि अभी शायद जल रहा है, मेरा ख्याल है जल रहा है। और इनका तंदूर भी मतलब बाहर ही सारा सेटअप है, और अंदर जो है ना, कहाँ जा रहे हो आप लोग? थोड़ी देर में आते हैं। ये देखें माशाल्लाह काम हो रहे हैं अभी, काम हो रहा है। आप भी जा रहे हैं? चलो ओके बाय। तो अंदर जो है सीटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि राइट साइड पे देसी माहौल टाइप सीटिंग है, जहाँ पे आप इजीली बैठ सकते हैं, लम्बे बैठ सकते हैं, जो मर्जी आप कह लें उसको। और बैक साइड पे किचन है, और ये सामने फैमिली हॉल है, और ये जो है ना बाहर, ये सारा जो क्या कहते हैं कपल्स कहने लगा था मैं, कपल्स नहीं, जो ये दोस्त वगैरह के ग्रुप्स आते हैं उनके लिए ये सीटिंग है। उस्मान भाई, ये हमारे एक फ्रेंड हैं जो कि डस्का से तशरीफ लाए हैं, और आप पता नहीं क्या कह रहे थे। है हाँ, खाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। ये 12:30 हो गया, 12 बजे उसने कहा था ओपनिंग होनी है। नाश्ता नहीं किया मैंने सुबह का, इसी चक्कर में ओपनिंग पे कुछ मिलेगा। तो ओपनिंग उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, फिर से अब ओपनिंग जो है वो 2 बजे होनी है, 2:30 बजे। भाई तुम दौड़ हमारा बता दिया हमारा, हम दब ला रहा। इस वक्त फुल गुस्से में है, कभी ये झाड़ू पोंछा लगा रहे हैं, कभी ये पता नहीं पानी भरने जा रहे हैं। तो इस वक्त जाना ये फुल गुस्से में है, और ये मेरे से गुस्से से बात कर रहे हैं। हाँ, क्या करना चाह रहे हैं कि आप मुझसे गुस्से से बात कर रहे हैं? आप जाओ, ये देखें ये पानी भरने जा रहे हैं, जाए जाए। अल्लाह हाफिज़। मौसम जो है ना वो आजकल बड़ा कंफ्यूजिंग है, कभी धूप निकल आती है, कभी बारिश हो जाती है। और अभी भी जो है वो रात को ही बारिश हुई है, परसों भी सारा दिन बारिश होती रही है, और कल जो है वो रात को यहाँ पर होती रही है इस एरिया में बारिश, और कैंट जो है आधे कैंट में बारिश हुई है और आधे कैंट में बारिश नहीं हुई, और फिर 4 बजे के बाद बारिश लगातार फिर बड़ी ज़ोर की हुई। और अभी भी यही है कि बारिश रुक गई हुई थी, और अभी जो है ना फिर से हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई। तो अभी जो है वो सीन कुछ यूँ है कि पोस्टपोन हो गई आपकी ओपनिंग, 2 बजे फिर ओपनिंग कर दी आपने पोस्टपोन, अब कब है? 2 बजे।
तो 2 बजे जो है पोस्टपोन हो चुकी है ओपनिंग, और आदिल और बासित तो है नहीं आ सके क्योंकि वो अभी काम पे मसरूफ़ हैं, तो वो शाम को चक्कर लगाएंगे मेरा ख्याल है। और जहाँ तक रही रेस्टोरेंट के नाम की बात, तो ये अली भाई के नाम पे है जिनकी रिसेंटली डेथ हुई थी, जिसका मैंने बताया भी था आपको, तो उनके नाम पे ही इसको खोला गया ताकि उनका जो नाम है वो हमेशा, जब तक ये रेस्टोरेंट है, जब तक जिंदगियाँ हैं, तब तक वो हमारे दरमियान जो नाम है उनका वो ज़िंदा रहे। और जो मैंने आपको बेबी दिखाया था मोहम्मद जिसका नाम है, वो भी उन्हीं भाई का बेटा है। तो क्या मेन्यू इस वक्त मेरे पीछे लगा हुआ है, वो मैं आपको दिखा दूंगा फोटोज़ के अंदर, तो उसमें सारी जो रेट लिस्ट है वो और प्राइसेस वगैरह सारा कुछ आपको नज़र आ जाएगा कि उन्होंने क्या क्या रखा हुआ है, क्या क्या यहाँ पर बन रहा है। और अब सिर्फ वेट है ओपनिंग का। मेरे ख्याल से कि ओपनिंग सेरेमनी है तो यहाँ पे कोई चीफ गेस्ट भी होना चाहिए, तो चीफ गेस्ट यहाँ पे कौन है? मोहम्मद अब्बास, अली का बेटा। तो अभी जो है प्लान तो 12 बजे का था, लेकिन पोस्टपोन होते 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 अभी तकरीबन 2:30 बज गए हैं और अभी जो है वो फाइनली ओपनिंग होने लगी है। अभी जो है वो ओपनिंग का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होना शुरू हो गया है। अभी एक पैसा आए हुए हैं और वो तिलावत कर रहे हैं, उसके बाद रिबन वगैरह कटेंगे और फिर दुआ होगी और उसके बाद फिर क्या होगा, खाने का प्रोग्राम, लंगर, वही खाने का। रिबन जो है वो बंद चुका है और इसको काटेगा अली भाई का बेटा। तो दुआ जो है वो पूरी हो चुकी है और अब अली भाई का जो बेटा है वो काटेगा रिबन। ईदी इफ्तिताह जो है वो हो चुका है और अभी ये कब सर्व हो गए यहाँ पर, तो भी खाना सर्व हो रहा है, उसके बाद जो फिर वो हमारी बात है और फिर हम ज़्यादा ही पूजा करते खाना खाएंगे। हो सकता है कि हम उससे पहले ही खाना खा लें फिर दोबारा खाना खाएँ। ये खाने का सिलसिला 3-4 घंटे तक वो टीम से चलेगा। ओपनिंग सेरेमनी हो चुकी है, लोग भी तकरीबन जा चुके हैं, लेकिन उस्मान भाई कुछ कहना चाहते हैं? बिरयानी खत्म हो गई है, मिठाई खत्म, कोई नहीं, आप मतलब जो आन हट्टे कट्टे हैं आप काम करें। दलील प्रोग्राम नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, स्पेशल बन रहा है हमारे लिए। अभी हम वेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हम क्या तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह खाना आ चुका है, थोड़ा इंतज़ार हमें ज़्यादा ही करना पड़ गया कह सकते हैं। अब हम लोग इसको ट्राई करेंगे बिरयानी को, जो इसका क्या टेस्ट है। और हम तो भाई कब से आप लोग अपनी सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं? हाँ से शाम से कर रहे हैं हम लोग, और डिलीवरी वगैरह भी अवेलेबल है जी भाई। तो माशाल्लाह बिरयानी बहुत मज़े की है और स्पाइसी भी है, अच्छी पकी भी हुई है, काफ़ी टेस्टी है माशाल्लाह। तो ये है कि आप लोग भी विज़िट करिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे खाने के लिए हैं। बस मैं आपको जाना जो मेन्यू है इनका उसकी पिक्चर मैं आपको दिखा दूँगा और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर ज़रा खाना खा लें उसके बाद फिर आपसे मुलाकात कर सकते हैं। तो जी खाना हम खा चुके हैं और हमज़ा भाई फ्री की बोतलें पिए जा रहे हैं, देखें ये स्टिंग पूरी है। तो खाना अल्हम्दुलिल्लाह भाई फ्री की नहीं है, पैसे दिए आपने, पैसे दिए लोगों से पैसे लेने के लिए ना भाई, भाई पिए। चलो चलो, बहुत टेस्टी खाना था वाकई, जिसका मुंह में जाके टेस्ट बनता है उस तरह की खाना था माशाल्लाह।
तो अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत मुबारक करे सारी चीज़ें, देर तक आपके रेस्टोरेंट चलता रहे और आपको दिन ब दिन जो है बरकत अता करे और आप इसमें कामयाब से कामयाब तर जो भी होता है बियॉन्ड द लिमिट्स आपको कामयाबी मिले और आपका जो है काम है माशाल्लाह चलता रहे। तो कमीशन दे देना मुझे मिशन। तो ये है कि लोकेशन मैंने आपको गाइड कर दी है कि एक एग्जैक्टली कहाँ पे करके, या उसके अलावा गूगल पे भी अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी इसकी लोकेशन मौजूद है, पिन ड्रॉप वहाँ पे हुआ हुआ है, आप वहाँ से भी इजीली आ सकते हैं। प्लस आपको यहाँ का जो एक जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली एक प्रोमो कोड दिया जाएगा जिसमें कुछ डिस्काउंट होगा और वो जो प्रोमो कोड है वो आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो किसी ने विज़िट करना हुआ वो कर सकता है। प्लस इसमें होम डिलीवरी भी अवेलेबल है, वो जो मेन्यू कार्ड मैंने दिखाया था आपको उसके अंदर नंबर भी मेंशन है और प्लस जो सारा मेन्यू है वो मेंशन है, आप उसको ऑर्डर करके होम डिलीवर भी कर सकते हैं। तो अभी तो खैर आदिल और बासित नहीं आए, अगर वो आते तो हम मज़ीद इन्जॉयमेंट करते, लेकिन इंशाल्लाह सूनर और लेटर आज या कल हम चक्कर लगाएंगे दोबारा से और फिर हम दबाई से गपशप होगी। अगर किसी ने आना भी हुआ तो वो हमारा रेफरेंस देके भी आ सकता है, प्रोमो कोड तो वैसे मिल जाएगा आपको और ये भाई भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो मसला इतना कोई नहीं है। तो बकाया ये है कि इंशाल्लाह होपफुली बहुत मज़ा आएगा, बहुत हम इंजॉय करेंगे इस चीज़ को क्योंकि एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया गया है, देसी माहौल, फुल देसी माहौल का इन्वायरमेंट, आप यहाँ पर बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं, सो भी सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो माशाल्लाह हाइजीन का भी ख्याल रखा जाएगा काफ़ी सारा यहाँ पे। तो आज का जो ब्लॉग है वो हमारा यहाँ तक ही है, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी हमारे नए ब्लॉग में। तो हर बार की तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और अपने अच्छे से कॉमेंट्स करें। फिर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।